हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्यू। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के चैप्टर नंबर 13 अवर एनवायरनमेंट के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को। इस वीडियो में हम देखने वाले पेज नंबर 214 पे दिए गए इंडेक्स क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। आपको कोई भी ऐसे दो तरीके बताने हैं जिनसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस अफेक्ट द एनवायरनमेंट इन टू वेज। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हमारे एनवायरनमेंट को इन दो तरीके से अफेक्ट करते हैं। पहला है आपका, दी सब्सटेंसेस डिकम्पोज टू फॉर्म टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेस एयर पॉल्यूशन। ये सभी सब्सटेंसेस डिकम्पोज होने के बाद में टॉक्सिक सब्सटेंसेस बना लेते हैं जो कि एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। और दूसरा तरीका है, दे मे प्रोड्यूस अ फॉल्स स्मेल ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। और दूसरा तरीका है कि इसमें डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान फॉल्स स्मेल प्रोड्यूस होती है जिसके कारण हमारा एनवायरमेंट भी पॉल्यूट होता है। तो आपको दो ऐसे तरीके बताने हैं जिनसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं दो तरीके से। पहला है आपका, ये सब्सटेंसेस डिकम्पोज होकर के बना लेते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो कि एयर पॉल्यूशन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। और दूसरा, ये सब्सटेंसेस डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान फॉल्स स्मेल प्रोड्यूस करते हैं जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो ये थे वो दो तरीके जिनसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।